कोरोना महामारी के चलते जहां एक तरफ लोग एक दूसरे की मदद के लिए दिल खोलकर हाथ बढ़ा रहे हैं या सामाजिक संगठनों के रूप में लोग आगे आकर कार्य कर रहे हैं, ऐसे में छोटी काशी भिवानी को कुछ स्वार्थी लोग बदनाम करने पर तुले हैं। भिवानी में प्रशासन की नाक के तले पीपीई किट बनाने का गोरखधंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। मजे की बात तो यह है कि यह गोरखधंधा भिवानी की फैक्ट्रियों से निकलकर घरों तक पहुंच गया है। ऐसे में भिवानी प्रशासन का शिकायत करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भिवानी में बनने वाली एपीपी किट किसी भी तरह से सरकारी मानकों पर खरी नहीं उतर रही है, फिर भी इसे शहर में धड़ल्ले से बनाया और बेचा जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि यह किट अस्पतालों तक पहुंचती है और चिकित्सक उन्हें पहनकर मरीजों को देखते हैं या मरीज का इलाज करते हैं, तो इसमें चिकित्सक और मरीज दोनों को ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस पर प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि यदि ऐसी कोई भी किट उन तक पहुंचती है जो कि सरकार के मानकों पर खरी नहीं उतरती, वह उस किट को नहीं लेते हैं। हमारे पास जो मटेरियल आता है, जो हम अस्पताल में जो प्रयोग करते हैं, वो सभी ही वो देख करके हमारी टेक्निकल कमेटी जांच करके जब वो खरा उतरती है तो ही हम उसको लेते हैं। पूर क्वालिटी की हमारे अस्पताल में ना हम किट पहनने के लिए रिकमेंड करते हैं। हमारे अस्पताल में जो किट है वो सारी सेफ है। कोई कंप्लेंट आई है? नहीं, हमारे पास अभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है कि हम लो क्वालिटी की यूज कर रहे हों। हमारे हॉस्पिटल की हम बात करें तो हमारे पास जो ISI के जो मार्का है, जो स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, उसी के द्वारा ही हम यूज कर रहे हैं। सर, ऐसे लोग जो इस किट को बना के मार्केट में भेज रहे हैं, सर उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अगर मान लो कोई बिना स्पेसिफिकेशन के को ध्यान में रखते जो किट बनाता है अवैध रूप से बिना लाइसेंस के, तो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करनी चाहिए। इस बारे में भिवानी दवा विक्रेता संघ के प्रधान देवराज मेहता ने माना कि भिवानी में बहुत ही धड़ल्ले से पीपीई किट व मास्क बनाने का कार्य जारी है और वह मानकों पर खरी नहीं उतरती। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक पर जो पीपीई किट व मास्क खरे उतरे वही बाजार में सप्लाई होने चाहिए। पीपीई किट बना रहे हैं लोग, अंधाधुंध बन रही है भिवानी में। हर फैक्ट्री वाला जो बैग बनाता था सब उन्होंने पीपीई किट बनानी शुरू कर दी। पहले मास्क बनाए इन लोगों ने, लेकिन नकली और असली का जहाँ तक पैमाना है ये तो सरकार ही बता सकती है। 90 GCM पास होनी चाहिए, ये 90 GCM का कपड़ा हो और सैटेलाइज हो। जहाँ तक सैटेलाइजेशन की बात है वो भिवानी में नहीं है, क्योंकि किसी के पास पीपी किट बनाने का लाइसेंस ही नहीं है। देखिए, जो पीपी किट है ऑफिशियली जो पीपी किट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, पहले 70 GSM की थी, अब 90 GSM की सरकार ने कर दी है। ISI मार्का हो और सिट्रा अप्रूव्ड हो, सिट्रा एक पैमाना है सरकार का, और स्टरलाइज्ड होनी चाहिए सबसे बड़ी बात। उसमें 9-10 चीज़ों का उसमें प्रावधान रखा गया है, जैसे उसमें कैप हो, कैप के बाद फेस शील्ड हो, ग्लासेस ट्रांसपेरेंट हों, और जो स्विम सूट के अंदर आते हैं वो वाले हों, ना कि अभी जो पीपी किट बन रही हैं उसके अंदर मेले में जो हम चश्मे यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंट टाइप के, उस टाइप के दिए गए हैं। लेकिन जो कवर्ड आते हैं स्विम सूट के अंदर, वैसे के वैसे दिए जाने चाहिए। इसी प्रकार जो गाउन है वो नी से नीचे तक होना चाहिए, जो शू कवर है वो नी से ऊपर तक होना चाहिए। इस तरह की स्पेसिफिकेशन रखी गई हैं, वो अप्रूव्ड की गई है सरकार के द्वारा। लेकिन जो भिवानी में बन रही हैं, कपड़ा तो 90 GSM का उन्होंने लगा दिया, ना तो वो स्टरलाइज है। स्टरलाइज यूनिट भिवानी में एक ही है केवल, बाकी कोई भी स्टरलाइज यूनिट नहीं है। सरकार को चाहिए कि अगर या तो उनको लाइसेंस दे या वो स्टरलाइज करे या फिर उनको बैन करे, तीन ही चीज़ है। शिकायतकर्ता ब्रजपाल परमार, प्रदेशाध्यक्ष स्वास्थ्य शिक्षा संगठन भिवानी ने कहा कि भिवानी में पीपी किट का गोरखधंधा बहुत ही तेजी से व बहुत ही बड़े पैमाने पर भिवानी में फैल रहा है। यह धंधा भिवानी के घर घर तक जा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में भिवानी प्रशासन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को लिखित में शिकायत दे चुके हैं। ब्रजपाल परमार ने बताया कि भिवानी में बनने वाली पीपी किट किसी भी तरह से सरकारी पैमानों पर खरी नहीं उतरती है। जो डॉक्टरों को इलाज जो कोरोना वायरस का इलाज करते वक्त पहनी जाती हैं, भिवानी के अंदर खुले धड़ाके से हर घर में, हर कॉलोनी में ये नकली बनाई जा रही हैं। और प्रशासन को हम शिकायत दे चुके हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक हम इसको शिकायत दे चुके हैं, और हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा
और मुख्यमंत्री हरियाणा सबको शिकायत दे चुके हैं और प्रशासन को भी दे चुके हैं, प्रशासन के खिलाफ भी शिकायतें दे चुके हैं। आए रोज़ लाखों रुपए का व्यापार होता है, कल भी एक दो गाड़ियां भर के भिवानी से और कलकत्ता और बॉम्बे गई हैं, जो कि ये बिल्कुल सेफ नहीं है। और जो भी कोरोना वायरस को लेकर जो अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया था, भाई इस तरह का कपड़ा होना चाहिए, इस तरह के कोई भी गाइडलाइन ये जो है जो पीपी किट है ये पूरा नहीं करती हैं। और शहर के अंदर धड़ल्ले से व्यापार चल रहा है और 70 रुपये की किट 250 से लेकर 700 रुपये तक बेची जा रही है और इसमें धड़ल्ले से व्यापार किया जा रहा है। और तो और मैं बता दूं, जो जिला प्रशासन ने पास दिए हुए हैं भाई लोगों की सेवा करने के लिए, खाना बांटने के लिए, उन पासों का भी धड़ल्ले से मिसयूज़ किया जा रहा है और इस व्यापार में उन पासों का मिसयूज़ किया जा रहा है। आज के दिन कोई घर कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें पीपी लगभग पीपी किट का काम चल रहा है। और वो भी कपड़ा वोलन कपड़ा है जो कि उस कपड़े से ये जो थैली होती हैं, थैलियां बनती हैं, उसके मास्क और पीपी किट बनाई जा रही हैं और जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो भी डॉक्टर हैं जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ नहीं है इस किट की वजह से और इससे के गंभीर परिणाम आ सकते हैं और ये इस कोरोना वायरस को सेफ्टी की बजाय बढ़ाने में कारगर। मैं 5 दिन से लगातार शिकायत कर रहा हूँ, प्रशासन को गाड़ियों के नंबर तक मैं दे चुका हूँ, घरों के मकानों के नंबर तक दे चुका हूँ। यहाँ व्यापार हो रहा है और बड़े धड़ेले से व्यापार हुआ है, लेकिन प्रशासन आज तक जो भी नहीं रहेंगी है और प्रशासन इसमें कार्रवाई करने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि प्रशासन से मिली भगत से ही ये सारा व्यापार भी बने। प्रशासन से 4 दिन से लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ, शिकायत कर रहा हूँ, तो प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता? प्रशासन के ऊपर दबाव हो, और ये जो स्थानीय जो मेरे को ये लगता है कि जो राजनेता हैं ये इस मामले में जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रशासन चुप है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की है और हम सुप्रीम कोर्ट में जल्दी ही जाएंगे, और अगर प्रशासन या सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दोनों का दरवाजा खटखटाएंगे।